जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन चेन्नई से। दोस्तों, बोआर ओपी काला दिवस आंदोलन 7 नवंबर 2024, आज 3 सवाल है, क्यों, कहां, कैसे। सबसे पहला सवाल क्यों का। दोस्तों, ये 7 तारीख का जो आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, 2015 7 नवंबर 2015 को ओआरओपी नोटिफिकेशन निकला था। इसका 10 साल पूरे और पूरा हो रहा है 7 नवंबर 2024 को। इसी खुशी में एक कार्यक्रम प्रायोजित कर रहे हैं दिल्ली में, जिसमें हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब भी भाग ले रहे हैं। हम इसके विरोध में जो है, हम ये काला दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, काला दिवस क्यों मना रहे हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि ओआरओपी के लिए हमने 1,25,00,000 रुपए तक हमने दिया, और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरीदाबाद रैली में यह भी बताया था कि पीएमआर नाम का कोई शब्द है ही नहीं, ओआरओपी मिलेगा तो सबसे पहले सिपाही, नायक, हवलदार को मिलेगा, और पीएमआर का कोई शब्द है ही नहीं, सबको मिलेगा। अब ओआरओपी 2019 से 24 तक का, फिर 2024 से आगे का ओआरओपी सेकंड थर्ड दोनों में जो है, पीएमआर को तो आउट कर दिया। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बताया कि पीएमआर को हम देंगे, रिवाड़ी रैली का मत, सॉरी फरीदाबाद रैली में जो बताया उसका मतलब यही है कि सारे पीएमआर को इंक्लूड किया हुआ। और वो रैली भी कब है, 2015 में किया, 2014 से पहले का नहीं, 2015 में किया। अगर 2015 में जब हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बताया तो पीएमआर को आउट नहीं करना चाहिए था, कम से कम 2015 तक, लेकिन हुआ ऐसे नहीं है। जो भी 2014 जून के बाद पीएमआर मतलब प्री मैच्योर रिटायरमेंट आया है, सबको ओआरओपी से उससे वंचित कर दिया, उसको निकाल दिया, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि वजह यह है, ओआरओपी 1 में इतनी डिस्क्रिपेंसीज थी, अनामलीज, जो मार्टेर फैमिलीज यानी कि शहीद परिवार, उनको तो वंचित कर दिया, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। 2014 जून तक जो मार्टेर फैमिली उस रैंक का सबसे हाईएस्ट पे ले रही थी ऐसे पेंशन, उसको तो मतलब ओआरओपी के बाद जो है उनकी सर्विस के हिसाब से उनको मतलब लेके आ गया। यानी कि अगर कोई भी जवान 2 साल की नौकरी में अगर शहीद हो गया तो उस फैमिली को सिर्फ 2 साल का पेमेंट मिलेगा। उसने कोई गुनाह नहीं किया, इस देश को रक्षा करने के लिए अपनी जान गवाया है, उसने कोई गुनाह तो नहीं किया ना, हमें शर्म आना चाहिए, सारे देशवासियों को शर्म आना चाहिए इस बात पे। और जो सर्विस के दौरान हार्ड लिविंग एरिया में, ग्लेशियर में अगर बीमार हो गया, अगर या नहीं तो कोई एक्सीडेंट में अगर उनके देहांत हो गया, तो उस परिवार को स्पेशल फैमिली पेंशन मिलता था जो उस रैंक का हाईएस्ट पे का 60%। और ओआरओपी में उनके साथ भी जो है ना इंसाफी हुआ।
उसके बाद जो है रिजर्विस्ट, रिजर्विस्ट का जो है 2/3 एक सिपाही का पेंशन होना चाहिए। OROP में रिजर्विस्ट को छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो मतलब क्यों 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 की जवाब में। ये सारी बात 7 तारीख को कोई बताएगा? नहीं बताएगा। हम अभी से बता रहे हैं, आप सभी लोग लाइव में देखेंगे। लाइव में अगर ये सारी मुद्दा अगर कोई उठाएगा तो मैं उनको नए दिल से नहीं, उसका पैर पकड़ के मैं दिन में 10 बार उसका पैर पकड़ूंगा, 100 बार सल्यूट करते रहूंगा। उसके बाद कहां मतलब ये नहीं कि जंतर मंतर में करना या इधर करना उधर करना, जहां भी आप खड़े हो वहां कर लो। अगर आप बस में जा रहे हो बस में पहन के जाओ। अगर कोई पूछेगा भाई क्या बात है ब्लैक बैंड पहना है क्या बात है, उनको बोलो कि भैया पर्ची दे दो उसको, उसको बोले भैया देखो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया 1,25,00,000 दिया लेकिन हमें मिला नहीं है और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। पब्लिक को बताओ, क्योंकि पब्लिक यही सोच रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1,25,00,000,00,000 दिया है जवानों को और कैंटीन फैसिलिटी है फलाना ढिकाना, फिर भी हमारा जवान कभी संतुष्ट होते नहीं है, हमेशा मांगते रहते हैं। ये उनके दिमाग में है ना, वो उनके दिमाग से ये जो शक है इसको दूर करना, कहते ना भ्रम, इसको दूर करना है तो उनको पकड़ा दो भैया ये बात है, इसके विरोध में हम काले कपड़े पहने हुए हैं। जहां मर्जी करो, बाग में बैठो करो, CSD में करो, ECHS में करो, बस में करो, ट्रेन में करो, लेकिन सबको बता मतलब बता दो कि ऐसी बात है। उसके बाद जो है कैसे का मतलब है, अगर आप 2-4 आदमी एक साथ बैठे हुए हैं तो आपस में एक वीडियो बना लो, आप डिस्कस करो, भैया देखो ये मद्रासी ये बता रहा है कि ऐसे चार्ट बना के भेजा है व्हाट्सएप में, इसके बारे में तुम्हारा क्या इरादा है, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। फिर उसके बाद जवाब दूसरा देगा ना, चार्ट तो हम शाम तक या कल सुबह तक भेज देंगे, जितने भी हमारे संपर्क में है उन सबको व्हाट्सएप में भेजेंगे कि जो ओरिजिनल फार्मूला हम लोगों ने बना के रेडी करके दिया था, जो मतलब उन तक पहुंचा ही नहीं है, और जो हमारे एक मेजर जनरल साहब ने जुडिशियल कमिटी को जो 2016 में बना के दिया है दोनों फार्मूला के हिसाब से, और वो 2014 से अगर दे दिया होता तो अब तक हमें क्या मिलना था, ऑफिस को क्या मिलना था और क्या मिला है क्या, और सारी डिटेल्स में विस्तार में बना के सबको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। और आपको जो है इसको वायरल करना है, आपका काम है। कैसे का मतलब इसको किसी तरह वायरल करो, ये मतलब माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं 60% जो भी हमारे साथ नाइंसाफी हुआ माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचा ही नहीं होगा, नीचे लेवल में दबा देते हैं। जिस तरह हमारे विपक्ष के जो है श्री राजीव गांधी जी ने, सॉरी श्री राहुल गांधी ने बताया कि OROP अफसेस के लिए नहीं है, जवानों के लिए, लेकिन जब हम उन तक पहुंचने के लिए कोशिश किया तो एक कर्नल ने लोग किसी को जाने नहीं दिया। ऐसे ही यहां भी है, हमने बहुत कोशिश किया 7 तारीख को मीटिंग अटेंड करने के लिए लेकिन हमें मौका नहीं मिला। 7 तारीख को रेडीमेड क्वेश्चंस होगा, रेडीमेड आंसर होगा, जिसको बोलते हैं सवाल भी मैं हूं जवाब भी मैं हूं, तो इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब ये मौका है, आप लोगों के पास है, एक ब्लैक कलर का जो शर्ट पहनो, पगड़ी बांधो या बैंड या यहाँ पे कपड़ा पहनो, कुछ भी, कम से कम 15 मिनट से लेके आधा घंटा जो है यह आपको जो है वीडियो बनाओ, पूरे देश देखेगा कि कुछ हुआ है। क्योंकि 7 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब का जो लाइव वीडियो जो भी देखेगा उन तक ये मैसेज भी पहुंचेगा, भाई जवानों ने इसको विरोध किया। हमारा मतलब किसी को पुल डाउन करने का नहीं है,
हमारा मतलब अपनी जो दर्द, अपनी जो है हम नाकुश, प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपके दिए हुए आरोपी से हम कुछ नहीं है, यही बताना चाहते हैं काला बैंड या ब्लैक बैंड पहन के, और कुछ नहीं है दोस्तों। साथ देंगे तो हम आगे जाएंगे, वही कहानी है, बटोगे तो कटेंगे। एक साथ रहने के लिए कोशिश करो, एक साथ उन लोगों के साथ रहो जो खुदगर्ज ना हो। 7 तारीख को तमिलनाडु में आज अभी तक का जो रिपोर्ट है 12 जगह पे हो रहा है, और भी अदर स्टेट्स का हमारे पास अभी कोई न्यूज नहीं आया, जहां तक दिल्ली हरियाणा का आया है, बाकी जगह का जो अभी तक कोई न्यूज नहीं आया। मैं हर एक से यही चाहता हूं, प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो है अपनी लिमिट में होना चाहिए, तोड़फोड़ का नहीं, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक काला बैज, काला बैंड, काला कपड़ा, यही सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, यही जो है हमारे बुजुर्गों ने यही सिखाया। हम इसी रास्ते पे जाएंगे, दुनिया देखेगी अब की बार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।